sisters and brothers of America. अमेरिकी बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद के इन चार शब्दों ने अमेरिका का दिल जीत लिया। विवेकानंद के इन आत्मीय शब्दों के सम्मान और समर्थन में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक बजती रही तालियों ने अपने धर्म व संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठता पर इतराने वाले अमेरिकी और यूरोपीय धर्म गुरुओं का अभिमान तोड़ दिया। 11 सितंबर 1893, भारत से पहुंचे एक युवा सन्यासी ने ज्ञान से भरे तेजस्वी ओजस्वी भारत से दुनिया का साक्षात्कार करवाया। 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व पर विस्तृत व्याख्यान दिया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. कम ही लोग जानते हैं कि शिकागो महासभा के अलावा स्वामी जी ने अलग अलग विषयों पर दिए अपने व्याख्यानों से पश्चिम जगत को झकझोर कर रख दिया। 20 सितंबर 1893, अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने ईसाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि आप जितने प्रयास लोगों का धर्म बदलने के लिए करते हो, उतने प्रयास उनका पेट भरने के लिए क्यों नहीं करते हो। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भारत के पास धर्म का अभाव नहीं है, अभाव रोटी का है। 27 सितंबर को जब सम्मेलन का समापन हुआ तो स्वामी जी ने धार्मिक एकता पर बल देते हुए दो टूक कहा कि किसी एक धर्म की विजय बाकी सब धर्मों के विनाश से सिद्ध हो।